कन्नौज में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बस पलट गई है, दो लोगों की मौत हो गई। हादसे में 30 यात्री घायल हुए हैं। ये एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तेज रफ्तार बस पलटी है, हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है, 30 यात्री घायल हुए हैं। लोकेश फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। लोकेश, कैसे हुआ यह हादसा और अभी क्या ताजा अपडेट? देखिए, आपको बता दें, ये ठठिया थाना क्षेत्र में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे हादसा हुआ है। ये बस बिहार से दिल्ली जा रही थी। एक ट्रक जो था वो सुबह के समय में पलट गया था डिवाइडर से टकराकर, जिसमें मक्का भरी हुई थी और मक्का एक्सप्रेस वे पर फैल गई, जिसके बाद में पीछे से ये बस आ रही थी और ये बस मक्के को बचाने के चक्कर में ये अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से जाकर टकरा गई, जिसमें दो लोगों की मौत और 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका। अंबेडकर नगर में दारोगा समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए हैं। अहिरौली एसओ के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ था युवक, कल पोल पर चढ़कर हंगामा काटा था। एसपी ने मामले को लेकर एक्शन लिया। युवक 4 दिन तक थाने में बैठाने गया था और आपको बता दें कि युवती के पिता की शिकायत पर थाने बुलाया गया था। तो दारोगा समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। अहिरौली एसओ के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं और मामले को लेकर जांच जारी है। कल पोल पर चढ़कर हंगामा हुआ था, 4 दिन पहले इसे थाने लेकर आई पुलिस और जिसके बाद पुलिस को चकमा देकर ये फरार हो गया था। अम्बेडकर नगर की खबर, जहां पर 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। मनीष वर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ। मनीष, अभी क्या लेटेस्ट अपडेट मामले को लेकर? जी देखिए, आपको बता दें कि कल थाने से भागकर युवक हाई वोल्टेज ड्रामा किया था, कई घंटों तक ड्रामा किया था। पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद उसको उतारा गया था, जिस मामले में अम्बेडकर नगर एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने 6 सिपाही सहित 1 दरोगा को निलंबित कर दिया है और वहां के एसएचओ के खिलाफ विभागीय जांच के लिए लिखा है, जो कि जांच की जाएगी, क्योंकि पुलिस कस्टडी में वो युवक था। पुलिस कस्टडी के बाद वो भागा, भागने के बाद वो हाई टेंशन था, खंभे पर चढ़ गया। कई घंटों तक पुलिस परेशान रही, प्रशासन परेशान रहा, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद उसको उतारा गया था, जिसमें प्रथम दृष्टया जो सिपाही पहरेदार उनको जो है पहरेदारों को उसमें ये माना गया कि इनकी लापरवाही की वजह से वो युवक भागकर खंभे पे चढ़ा था, जिसकी वजह से इनको निलंबित कर दिया गया है और वहां के थानाध्यक्ष के खिलाफ विभागीय जांच की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका।